ये देखिए, तो मैं आपके सामने से खा के भी देखती हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला चीज़ है। थोड़ी थोड़ी सी हम ये दोनों ही ग्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये, मेरे पास जो 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ये ले लें, और इसी सेम क्वांटिटी में दोनों चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, बस 4 से 5 टेबल स्पून ये हो जाएगी और 4 से 5 टेबल स्पून दूसरी चीज़ ले लेती हूँ। ये लहसुन है मेरे पास, इस तरह से हम इसे थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। इसी तरह से ग्रेटर में बारीक नहीं पीसना, बस मोटा मोटा सा। इसका भी एक बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। ये लहसुन इस तरीके से मैं ग्रेटर में चॉप कर लेती हूँ इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, ये 2 से 3 टेबल स्पून ये ऑयल है, ताकि ये बटर में मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा बटर जो है वो जलेगा भी ऑयल नहीं के और साथ बहुत ही यहाँ आराम पे से मेल्ट हो जाएगा। लो फ्लेम पे करें, जल ना जाए, ताकि बस बटर को हमने मैंने मेल्ट देख करना लिया है। बटर बटर और और ऑयल ऑयल जो मैंने करते मिक्स किया था, ये इसमें बबल्स बन गए हैं। यहाँ अब आकर आपने जो लहसुन मैंने दिखाए थे, गार्लिक के हमारे पास 8 से 9 क्लोव्स थे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसे ज़्यादा बस पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर भी जो डालते हैं हर्ब्स वो हैं। और यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स हैं मेरे पास, ये 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर लेती हूँ फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करें ना, तो इसकी वजह से नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बटर आपका सॉल्टेड है तो आप नमक इसमें कम डालें या ना भी डालें, और अगर बटर अनसॉल्टेड है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल कर लें नमक। तो ये थोड़ा सा, बस इसे पकाना नहीं है, बस इसमें हल्की से टेस्ट आ गया, यहाँ इसको हम बंद कर देते हैं फ्लेम को। गैस फ्लेम बंद हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें मैं, ये कोरिएंडर है मेरे पास फ्रेश है, ये डाल देती हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, ताकि इसमें और भी बड़ा बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाता है। और गैस फ्लेम बंद है, इस स्टेज पे आपने डालना है, गैस की फ्लेम बंद रहने पे ही डालना है, खोले नहीं रखना। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये बर्गर बन्स हैं मेरे पास, ये इस तरीके से ये कटिंग हुए हुए मिलते हैं बाजार में इजीली। यहाँ पर मैं गार्लिक फ्लेवर्ड बटर ऑयल जो हमने बनाया है वो इस तरह से स्प्रेड कर लेती हूँ, बहुत ही इजीली। आपके साथ आप खुद भी बनाएं, बहुत इजीली ये काम हो जाएगा। ये देखिए, इसमें जो मैंने मिक्स हर्ब सीजनिंग जो डाली थी, पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो कितनी मज़ेदार उसका फ्लेवर है, उसकी खुशबू आ रही है, अभी तो बना भी नहीं है। तो ये इस तरीके से स्प्रेड कर लेती हूँ, और अब इसके ऊपर ये जो मैंने कॉम्बिनेशन करके बनाए थे चीज़ जो थी, दो चीज़ मैंने इधर चेडर यूज़ चीज़ की है, और मोज़रेला चीज़, दोनों का एक कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर निकलेगा इनका, ज़रूर बनाइए। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ी सी, मेरे पास ये अनियंस हैं चॉप्ड अनियन, ये डाल देती हूँ, इससे और भी फ्लेवर हमारा इन्हेंस होगा। तो इस तरीके से मैं डाल देती हूँ चॉप्ड अनियंस, और यहाँ पे मेरे पास चॉप्ड मैंने इस तरीके से ये ग्रीन चिलीज हैं, ये लगा देते हैं, इससे और भी फ्लेवर आएगा। और इसी तरह से इसमें भी लगा देती हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, इसे किसी भी तरीके से किसी भी शेप में कट करें, मैंने इस तरह से इस शेप में कट की है।
और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन जो कोरिएंडर लीव्स हैं वो डाल देती हूँ हल्के से। और यहाँ पे मेरे पास जो है ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं जो हम पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू निकलेगी, फ्लेवर आएगा। ये देखिए इस तरीके से ब्रेड बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से इसी प्रोसीजर पे मैं बाकी तमाम जो बर्गर बन्स हैं हमारे पास ये इन सब पर भी मैं गार्लिक फ्लेवर्ड बटर ऑयल जो मैंने बना के रखा है वो लगा लेती हूँ। और हम जो ये बना रहे हैं ये हमारे पास गार्लिक ब्रेड है, ये बहुत ही यहाँ पर हम पिज़्ज़ा हट जैसी गार्लिक ब्रेड सुप्रीम बना रहे हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसका करते हैं। बाकी तमाम बन पे भी मैं इसी तरीके से अपना गार्लिक फ्लेवर्ड बटर ऑयल लगाती हूँ और फिर नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए बाकी भी आपके सामने दिखा रही हूँ, इसी तरीके से डालते जाएंगे। ये हमारी जो चीज़ है तमाम बंस पे हम इसी तरह से डालते हैं। जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार आपके सामने ये बन रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इस तरह से सभी डाल देती हूँ। ये चॉप्ड अनियंस हैं, ये अगर आप नहीं डालना चाहते पसंद नहीं है तो ना डालें, मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बन के आएगा और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इस ब्रेड में वो टेस्ट मिलेगा। तो घर में रहते हुए आप ये ब्रेड इस तरीके से बनाइए। और ग्रीन चिलीज अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक दो रख दें, बच्चे तो नहीं खाते हैं ना तो ना भी डालें, बड़ों के लिए लेकिन ज़रूर डालें। और इसी तरीके से मैं इस पर ये हर्ब्स जो हैं वो भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आती है, ये तो ज़रूर डालिए। और बस अब हम इसे जी, तो सबसे पहले अब हम गार्लिक फ्लेवर्ड जो बटर ऑयल मैंने बना के रखा था वो एक पैन में हम इस तरीके से ड्रिजल कर लेते हैं। बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो अब आपको पता चला है कि मैंने ऑयल क्यों यूज़ किया था, बटर के अंदर थोड़ा ज़्यादा बटर और थोड़ा ज़्यादा ऑयल हम लेंगे ताकि अब हम यहाँ पे अपने जो हमारे बर्गर बंस हैं वो इधर रखेंगे, इसमें सैंडविचेस जो बन रहे हैं। तो हम अब पिज़्ज़ा हट स्टाइल चीज़ी गार्लिक ब्रेड इसमें रखते जाएंगे। और यहाँ पे आपने फ्लेम का बहुत ही ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी बहुत लो है ताकि ये नीचे से जले नहीं। बस इस तरीके से बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए कवर करके अब ये इन्हें पकाएंगे। और आपने फ्लेम का बहुत ही ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि वरना ये नीचे से जल जाएंगे। 5 मिनट तक हमें जब नज़र आएगा कि हमारी चीज़ जो है ये मेल्ट होना शुरू हो गई है तो उस वक्त आप इसे निकाल कर चेक कर लीजिए, बस आपके ये तैयार हो जाएंगे। घर पर पिज़्ज़ा हट जैसी गार्लिक ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है, ऐसा रिजल्ट लाना बहुत ही आसान है जैसा कि आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। ये गार्लिक ब्रेड रेस्टोरेंट्स जैसी ही बनेगी इंशाल्लाह। आज ही ये ब्रेड आप खुद घर पर बनाएं और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट तक मैंने ये गार्लिक ब्रेड आपके सामने बनाई है। चीज़ी गार्लिक ब्रेड हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ 10 से 15 मिनट मैंने रख दी थी लो फ्लेम पे। तो आप देखिए, तो इसको हम देखते हैं कैसी है इसकी लुक। ये देखिए वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चीज़ी गार्लिक ब्रेड हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही खुशबू आ रही है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए, साथ के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये देखिए आपके सामने जो मैंने चीज़ी
ब्रेड बनाई है, इसे मैं आपके सामने दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए आवाज़ आई है ना क्रंच की, ये देखिए किस कदर। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। ये देखिए ये किस कदर क्रिस्पी है, और ये देखिए। तो आप भी इसे ज़रूर अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आप इस चीज़ी ब्रेड, गार्लिक ब्रेड को अपने घर में माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में आप 200 डिग्री पर पहले से प्री हीट कर लें, और उसके बाद आप 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक दें, तो आपके सामने ये ब्रेड बन जाएगी फौरी। और इस तरीके से ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए, तो मैं आपके सामने इसे खा के भी देखती हूँ। ये देखिए वाओ, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है ये वीडियो। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।